नमस्कार। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने आज टोंटो प्रखंड के सिरिंगसिया गांव में निर्माणाधीन फुटबॉल स्टेडियम मनरेगा के तहत वीर शहीद पोटोहो खेल मैदान विकास योजना के तहत मैदान समतलीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उप विकास आयुक्त ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की और कार्यकारी एजेंसी को समय से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। मनरेगा के तहत काम कर रहे श्रमिकों से वार्तालाप करते हुए उप विकास आयुक्त ने पारिश्रमिक भुगतान के बारे में जानकारी लेने के साथ ही निरंतर कार्य की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की। उप विकास आयुक्त ने सभी श्रमिकों से मनरेगा के तहत अपना निबंधन कराते हुए जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक को निर्देश दिया कि क्षेत्र में जॉब कार्ड से वंचित श्रमिकों को जल्द से जल्द जॉब कार्ड निर्गत किया जाए। डीडीसी ने ग्रामीणों को टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की शिकायत या सुझाव हो तो इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। समस्या का त्वरित निष्पादन सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ऐसे में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को शिक्षा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शिक्षकों का भी तकनीकी रूप से दक्ष रहना बहुत जरूरी है। झारखंड शिक्षा परियोजना पिरामिड फाउंडेशन के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है। पूरे झारखंड के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में इसके लिए चयनित 170 मास्टर ट्रेनर को ऑनलाइन तरीके से पहले मॉड्यूल लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर ने बताया कि वह जिन मास्टर ट्रेनर को तैयार किया जा रहा है वह 35 से 40 शिक्षकों की एक प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी का गठन कर उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी देंगे। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी उपायुक्तों से बातचीत की। इस दौरान स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, राजस्व और कृषि विभाग के सचिव भी मौजूद रहे। करीब 3 घंटे चली इस ऑनलाइन मीटिंग में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं के बारे में बिंदुवार विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस के वैक्सीन वितरण हेतु गोल्ड चेन की तैयारी पर भी चर्चा की गई। कुपोषण उपचार, भूमि अभिलेख, राजस्व संग्रहण, वनाधिकार पट्टा वितरण, मनरेगा, दीदी बाड़ी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई। जिन योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है उसमें तीव्रता लाने का निर्देश दिया गया। शहर से सटे डिलिया मिर्चा गांव में हेल्पिंग हैंड्स चाईबासा ग्रुप की ओर से निशुल्क ट्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। यहां बिना कोई शुल्क लिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। संस्था की प्रमुख नेहा निषाद ने बताया कि यह तीसरा निशुल्क ट्यूशन सेंटर है। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई। गांव के गरीब बच्चों के पास मोबाइल नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम कर रहे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए यह प्रयास किया गया है। इस सेंटर में किताबी ज्ञान के अलावा योग की भी शिक्षा दी जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे ऐसा रुंगटा बी डिवीजन लीग के तहत आज खेले गए मैच में चक्रधरपुर क्रिकेट क्लब ने चक्रधरपुर क्रिकेट एकेडमी को 45 रनों से हराकर सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए चक्रधरपुर क्रिकेट क्लब की टीम ने निर्धारित 30 ओवर में 7 विकेट खोकर 246 रन बनाए। इस टीम के मीर रबी उल हक ने 9 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद शतकीय पारी खेली। जीत के लिए 30 ओवरों में 247 रनों का पीछा करने उतरी चक्रधरपुर क्रिकेट एकेडमी की टीम 30 ओवर में 6 विकेट खोकर 203 रन ही बना सकी। चक्रधरपुर क्रिकेट एकेडमी के बल्लेबाज सुजल कुमार सिंह ने 12 चौके और 1 छक्का की मदद से बेहतरीन 108 रनों की शतकीय पारी खेली। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
मंगलवार को किसानों की ओर से राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बंद का समर्थन किया है। चाईबासा में कांग्रेस भवन में बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी और सभी मंच मोर्चा द्वारा बंद को सफल बनाने के लिए शांतिपूर्ण सहयोग किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से जिले के लोगों से बंद में सहयोग करने की अपील की गई है। अन्नदाता किसानों के समर्थन में बाजार और दुकान बंद रखने का आग्रह किया गया है। युवा कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्ष दिनबंधु बोईपाई के नेतृत्व में भारत बंद को लेकर सोमवार की शाम को चाईबासा शहर में मशाल जुलूस निकाला गया। शहर के लोगों से कृषि कानून को लेकर आहूत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया गया। चक्रधरपुर शहर में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर झामुमो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पवन चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव में सोमवार को एक युवक का शव बरामद किया गया है। उसकी पहचान मंडे गोप के रूप में की गई है। मृतक के अपहरण की प्राथमिकी 3 दिसंबर को थाने में दर्ज कराई गई थी। आज उसका शव पहाड़ियों के बीच में मिला। मृतक की बहन ने 1 दिसंबर को पुलिस को सूचना दी थी। 29 नवंबर को युवक बाइक से बाजार गया था, उसके बाद घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई और इसी दौरान उसका शव पहाड़ियों से बरामद किया गया है। युवक की हत्या किन कारणों से की गई है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।